हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका पहाड़ी दोस्त सुरजीत भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है कोई लाइफस्टाइल या ट्रैवल्स रिलेटेड नहीं होने वाला है, बल्कि थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस एक्चुअली हुआ ये था कि आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो वीडियो थी अल्मोड़ा की, ठीक है, उत्तराखंड की अल्मोड़ा ज़िले की, जिसमें बताया जा रहा था कि एक लड़के को लड़की के छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और बाद में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लड़का है ये कोई और नहीं बल्कि ये है भुवन चंद जोशी, जो कि अल्मोड़ा का रहने वाला है और इसकी अभी एज है 20 साल के आसपास, इसकी एज बताई जा रही है। ठीक है, तो गाइस हुआ ये था कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इससे रिलेटेड, और बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है ये लड़की से मिलने गया था और वहाँ पे जब गांव वालों ने इनको पकड़ लिया तो लड़की जो है मुकर गई थी और उसके बाद फिर गांव वालों ने इसे बुरी तरह से मार दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में, इस घटना में जो भी एक जिम्मेदार है बताया जा रहा है कि लड़का जो पक्ष है वो बहुत गलत था, यानी कि दोषी माना जा रहा है लड़का पक्ष को। ठीक है, जबकि इस वीडियो के माध्यम से या और कोई भी जो वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से हम देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें गलती दोनों की है, न केवल लड़के की और ना ही केवल लड़की की, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। ठीक है, जबकि लड़का साफ साफ कह रहा है कि इस लड़की ने मुझे कॉल किया था और उसके बावजूद ही मैं इसे यहाँ पे मिलने आया था। ठीक है, और जबकि लड़की कह रही है कि वो इस लड़की को जानती तक नहीं है। तो गाइस यहाँ पे एक और पॉइंट उठता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो क्या यार हम किसी के कॉल पर उसे मिलने जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और यहाँ पे हुआ ऐसा कि जो है गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया था और फिर उसके बाद अंजाम क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए वीडियो में। ठीक है, चाचू यहाँ दे दो, पीछे से बैठ, नीचे भाई बैठ, ना नीचे बैठ, बैठ यहाँ पे बैठ, रुक जा तू ज्यादा हलाल हुए वालेकुम, इसका फीस नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, बना पीछे से बना देता हूँ मैं पूछूंगा तुम्हारा। हाँ बेटा पता क्या हुआ था, इसने धमकी दी थी, क्या बोला था, इसका फीस नहीं आना चाहिए। हाँ बता क्या कहा था, जोर से बोल बोला था कि मैं तेरे घर के आगे नवान खा के बन गया और नवान की खुशी दिखा रहा था मुझे, बोला वैसा कर रहा था। अच्छा अंकल देखो, इसने अपने नीचे बैठ, पहले पहले नीचे बैठ, और इसने इसने बोला अपने देखो मैंने एक मिनट, तू बता कल तेरे तुम्हारी बारी भी आएगी, बता। और फिर बोला था कि तू अपना हाथ काट गया, और अपना हाथ काट के मुझे भेज रहा था, बोला था अपना हाथ नहीं काटते पापा को। नाम मोहनचंद जोशी है, मैं रवाल से हूँ, मेरे बाप का नाम मोहनचंद जोशी है, मेरी माँ का नाम श्रीमती सरवा जोशी है। अंकल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मैंने आपकी लड़की का नंबर मेरे पास आया था, उसके बाद आपकी लड़की ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, उसके बाद आपकी लड़की ने मेरे पास मेरे को फोन आया, इसलिए मैं बोला मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपको विश्वास नहीं है मेरा फोन किसी बात आप देख लो, आपकी लड़की ने बोला मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, और इसलिए मेरे को मतलब दिन रात फोन किया। अंकल मैं जयपुर में जॉब करता हूँ होटल में, इतने बड़े घर से मैं नहीं हूँ, मैं होटल में जॉब करता हूँ, आपको बताया होटल कैसी है, चाय में बर्तन धोता हूँ, सर्विस करता हूँ, चाय कुक हूँ, कुछ भी हूँ, आपको बताया होटल कैसी है, आप कुछ जॉब करते हैं, आप मुझे मार दो मारने वाली। अच्छा इसने तेरे को बुलाया? हाँ यहाँ इसने बुलाया। हाँ आपको विश्वास नहीं है ना, मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग देखो अभी की, मतलब 2-2.5 बजे की रिकॉर्डिंग देखो, इसने मेरे को नहीं बुलाया होगा, मैं आपका इसने इसको बुलाया, तब आप आए फिर क्या हुआ है कि जहाँ कुछ नहीं हुआ यहाँ मिले भाई, तीसरा वाला बता, तीसरा वाला बता। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो केवल ये है कि ना तो मैं किसी लड़की के पक्ष में जा रहा हूँ ना ही लड़के के। ठीक है, मेरा मेन मतलब मेन जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि लड़के लड़की वालों ने कानून को अपने हाथ में लिया है और उसको मारा है। ठीक है, तो ये एक बहुत गलत बात है कानून को हाथ में लेना,
और मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए और हमारा जो भाई है भुवन चंद जोशी उसको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। ये एक बात है लड़के की, अगर आई थिंक अगर ये एक लड़की की बात होती तो आज तक शायद हम लोग सड़कों पे मोमबत्ती लेकर निकल जाते, ठीक है। लेकिन ये एक लड़का है इसलिए इसकी आवाज़ दबाई जा रही है, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को चुप नहीं बैठना है, हमें इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी होगी और हमारा जो भाई है भुवन चंद जोशी उसके लिए हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। यदि बात होगी अभी तक लड़की की तो शायद ये मामला कोर्ट तक जा सकता था, लेकिन ये एक लड़के की आवाज़ है इसलिए इसे दबाया जा रहा है और हमें ये सब नहीं करना है। हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और भुवन चंद जोशी को न्याय दिलाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा जो मेन मकसद है वो है कानून को अपने हाथ में लेने वालों को सबक सिखाना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। आई होप कि गाइस यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट में आप जस्टिस फॉर भुवन चंद जोशी करके एक कमेंट करिएगा और फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने लोग उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।